लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने यूज़ किए थे साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी उनकी अगर हम साइज चेंज कर ले ऑब्जेक्ट की साइज तो जो इमेज है उसकी साइज पर क्या इफेक्ट होगा, इसी तरह उनके डिस्टेंसेज में कितना डिफरेंस होगा, किस तरह एक दूसरे के साथ वो चेंज होते हैं। अब हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी लेंस के सामने पड़ा हुआ है तो उसकी इमेज या उससे छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, यानी कितने टाइम्स उससे छोटी होगी या कितने टाइम्स उससे बड़ी बनेगी। स्टेटमेंट को देखें, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है, फर्स्ट आप अगर डेटा देखें, फोकल लेंथ हमें गिवन है, एक कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ गिवन है, सो हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ फोकल लेंथ को डिनोट करता है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर यहाँ पर गिवन है, देखिए आप। एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ इट, और जो ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रखा हुआ है वो लेंस से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी पी जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से वो कितना है, 2 मीटर्स। 2 मीटर्स। डिटर्मिन द पोजिशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इट। फर्स्ट आपने इमेज की पोजिशन फाइंड करनी है, कितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है, मतलब क्यू आपने कैलकुलेट करना है, क्यू ये कैलकुलेट करना है। नेचर बताना है इसका कि इमेज जो बनती है वो रियल है या फिर वर्चुअल है, उसका नेचर बताना है। इसी तरह थर्ड जो है हमारे पास वो उसकी हम मैग्निफिकेशन देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से कम है या ज़्यादा है, कितने टाइम्स उससे कम है या कितने टाइम्स उससे ज़्यादा है, ये चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखें, एफ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ और पी गिवन है तो क्यों हम लेंस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें सो कन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, कन्वेक्स लेंस ये देखें, डबल कन्वेक्स लेंस इस तरह बना सकते हैं, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इससे आप ये जो स्ट्रेट लाइन पास करते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक पॉइंट जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये हमारे पास है ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। अब ओ और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज फोकल लेंथ, और वो कितना है, 1 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है इसके सामने वो 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, यानी इसके डबल डिस्टेंस पर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है कहीं यू। सो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसके दरमियान और ओ के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स, सो हमने कैलकुलेट करना है क्यू। अब देखिए हम लेंस फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेंस फार्मूले में हमारे पास 3 क्वांटिटीज हम यूज़ करते हैं, 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस प्लस 1 ओवर इमेज डिस्टेंस। सो 2 क्वांटिटीज इसमें नॉन है, पी और एफ, सो क्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हमने क्यू कैलकुलेट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, इसको इस साइड पे ले जाएं ताकि क्यू जो है हमारे पास एक साइड पे आ जाए आइसोलेटेड। सो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। अब देखिए जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करने हमने, सो अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर, सो 1 ओवर 1 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर पी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर्स, सो यहाँ पर पुट कर लें। अब देखिए इसका एलसीएम के जरिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल इक्वेशन है, सो ये आ जाएगा 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम ले लें, 1 और 2 नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर्स में है 1 और 2, सो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। अब ये आप इसके साथ फर्स्ट इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस फ्रैक्शन के साथ, फिर इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो अगर हम यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें इसको, सो ये आ जाएगा 2, यानी 1 बाई 1 से 2 मल्टीप्लाई कर लें, सो 2 आ जाएगा, माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें, हाफ से 2 मल्टीप्लाई कर लें, देखिए जब आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, सो 1 आप यहाँ पर पुट कर लें। सो क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 ओवर क्यू और 1 ओवर 2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी,
क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी 2, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो यहाँ पर यानी चूंकि ये हमने मीटर्स यूज़ किए हैं यूनिट्स में, तो यहाँ पर भी मीटर्स आएंगे, यानी जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर बनेगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 2 मीटर और इमेज का डिस्टेंस भी 2 मीटर ही बन रहा है। अब अगर आप मैग्निफिकेशन देखें तो इसकी मैग्निफिकेशन हमें क्लियर नज़र भी आ रहा है कि पी भी 2 मीटर्स है और क्यू भी 2 मीटर्स है, इसका मतलब है कि साइज़ इन दोनों का सेम है दोनों का। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखें इक्वेशन से, सो मैग्निफिकेशन हमारे पास इक्वल होता है ऑब्जेक्ट्स इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। सो इनमें अगर आप वैल्यू पुट कर लें, क्यू हमारे पास 2 मीटर्स है और पी भी 2 मीटर्स के इक्वल है, सो यहाँ पर आप देखें 2 मीटर्स, इसको आप 2 ज़रा क्लियर लिखते हैं 2 मीटर्स, सो 2 मीटर और 2 मीटर डिवाइड हो जाएंगे, सो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 1। और जब मैग्निफिकेशन का हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आता है, सो हम कहते हैं कि दोनों के जो साइजेस है वो इक्वल है, इमेज का साइज उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दोनों इक्वल है। और अगर आप देखें जो फोकल लेंथ है इसका, इस लेंस का फोकल लेंथ वो हमें गिवन है वो 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, देखें 2 मीटर्स। सो जो इमेज बनेगी, देखिए ऑब्जेक्ट हमने फोकल लेंथ के बाहर रखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ग्रेटर है, वो 1 मीटर है ये 2 मीटर है, इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ से यानी इस डिस्टेंस से हमने उसको बाहर रखा हुआ है। सो हमारे पास ये इमेज कौन सी बनेगी, इमेज जो है हमारे पास रियल इमेज बनेगी। इसका जो नेचर है, जिस तरह के पहले हमने पढ़ा था कि इसका नेचर हमने बताना है, सो नेचर इसकी क्या है, इस इमेज की हमारे पास जो नेचर है दैट इज रियल, रियल हमारे पास इमेज बनेगी। सो आपने देखा कि हमने कैलकुलेट किया इमेज का डिस्टेंस वो 2 मीटर्स आ गया, उसका मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो इक्वल है 1 का मतलब ये है, और जो नेचर है इसका वो है रियल इमेज, यानी रियल इमेज हमारे पास बनती है।